नमस्कार दोस्तों, जन्मी और यहाँ से निषाद राज पार्टी से पीयूष रंजन जी को टिकट मिला हुआ है, जो कि संयुक्त प्रत्याशी हैं निषाद राज पार्टी अपना दल एसके, और इनका जो सिंबल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का जो चुनाव चिन्ह है वही इनका सिंबल होगा। आज इनके पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है, जहाँ पे इनके उत्साही कार्यकर्ता सारे लोग एकत्रित हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि कितना जोश है और कैसी तैयारी चल रही है। मेरा नाम योगेंद्र शुक्ला है। योगेंद्र जी, कैसी तैयारी चल रही है कछना विधानसभा में और आज की तरह? बहुत अच्छी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निषाद पार्टी के सहयोग से जो हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है, एक प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगा कछना का, इसमें कोई दो राय नहीं। पीयूष रंजन जी की आज ये कार्यालय का उद्घाटन है, तो पीयूष रंजन जी को लेकर के जो कछना विधानसभा है उसमें मतदाताओं का कैसा? मतदाता इनके पक्ष मिले हैं, लोग इनसे ज्यादा योगी जी और मोदी जी को देख रहे हैं कि जहाँ योगी जी मोदी जी हैं समग्र देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, गुंडा राज समाप्त होगा, माफियाओं का समाप्त होगा। इसलिए आम जनता देख रही है कि योगी से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का बन ही नहीं सकता, इसलिए इनके प्रति लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास जुड़ गया। आपका कहना है कि योगी मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है उससे जनता उत्साहित है, और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है, मैं महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी चाका मंडल का। देखिए, इस बार कछना विधानसभा में हमारे कमल खिलेगा, हमारी योगी जी की फिर से सरकार बनेगी, और योगी जी के जो काम है उस पे देख के लोग जो है इस बार फिर से जो है विश्वास जताएंगे भारतीय जनता पार्टी पे, और हमारे कमल के फूल की सरकार बनेगी। हमारा प्रत्याशी जो है वो विजयी होगा। संयुक्त गठबंधन से हमारे प्रत्याशी हैं पीयूष रंजन निषाद जी, जिनको भारी बहुमत से, भारी वोट से हम लोग यहाँ पे जिताएंगे। सारे कार्यकर्ताओं में यह जोश है, जिस प्रकार से अपराधियों और गुंडा माफियाओं पे हमारी सरकार ने अंकुश लगाया है, उन पे जो है कड़े से कड़े नियम के अनुसार उनको अंकुश लगाया है और उनकी संपत्तियों पे कुल करके, यह एक संदेश दिया है जनता को 5 साल की सरकार ने कि हमारे जो सरकार है वो गुंडों माफियाओं के जो भी लोग हैं उन पे अच्छे से अच्छे कानून बना के उनके माफियाओं के खिलाफ सारी व्यवस्थाओं को उनको ख़त्म किया जाएगा, और जो भी हमारी आम जनमानस है उनमें हमारी सरकार के प्रति बहुत संतुष्टि है, जिसके वजह से इस बार कछना विधानसभा में हमारे कमल खिलेगा और हमारे प्रत्याशी पीयूष रंजन निषाद जी भारी वोटों से विजयी प्राप्त होंगे। हमारा नाम विमलेश कुमार शुक्ला है। शुक्ला जी, कैसा माहौल लग रहा है, मतलब कि ये सीट कछना जो है कभी भाजपा को आज तक नहीं मिल पाई है अभी? हाँ, ये बात आपने कहा, भाजपा को नहीं मिल पाई है, भाजपा को इस बार मिलेगी। इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ इतना घुल मिल के कार्यकर्ताओं ने, उनके ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता और इस ज़मीन पर जाकर लोगों को मदद करने का काम किया और गुंडों को जेल भेजने का काम किया या बेल में जाने का काम किया। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ भी कमियां थी, अगली बार हम लोग सरकार नहीं बना पाए या हमारे यहाँ का विधायक नहीं बन पाया, लेकिन इस बार हमारा विधायक उससे 2 गुने वोट से कछना विधानसभा में जीतेगा। ये जो इसमें लोकल स्थानीय मुद्दे और अत्याचार जो है, इस बार अत्याचार का जो है समापन होने जा रहा है और कछना में कमल खिलने जा रहा है, और हम लोग चाहते भी हैं कार्यकर्ता और हमारी जनता सब, हमारे जो है अलायंस पार्टनर जो भी हमारे जो प्रत्याशी मिले हैं सभी को इस बार जो है कमल पे उनको जो है वोट दिया जाएगा और सब उनको विधायक बना के यहाँ से कछना का जो वनवास काटने जा रहे हैं हम। आपका नाम? लक्ष्मी शंकर पांडे, सह संयोजक धर्म प्रकोष्ठ जमुना पार। क्या क्या लगता है कि जनता में कोई मूव है या अभी भी सब बोलते हैं कि सपा की तरफ कछना की जनता बहुत रहती है? इस बार कछना की जनता इतिहास रचने जा रही है, पहली बार यहाँ कमल का फूल खिलने जा रहा है। 5 साल यहाँ कार्यकर्ताओं ने, वर्तमान घोषित प्रत्याशी पीयूष रंजन ने जन जन में काम किया है, आदरणीय योगी जी मोदी जी की योजनाओं से जनता पूरी तरह से लाभान्वित और प्रसन्न है। यहाँ 40 वर्षों से एक ही परिवार के पास सत्ता रही है कछना की, इस बार कछना आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, इस बार कछना आज़ाद होगा, कमल का फूल खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? राजेश कुमार, कन्हैया जिला पंचायत सदस्य कौंधियारा 59। कैसा माहौल लग रहा है? क्या माहौल? बहुत अच्छा है, बहुत लगता है कि
इस बार कमल का फूल खिलेगा करछना में। तैयारी बढ़िया है आप लोगों की, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है, सब यही माफिया हैं, गुंडा हैं, इस कारण से बहुत बढ़िया सिस्टम है। योगी मोदी की सरकार में बढ़िया कार्य किया जा रहा है, इसलिए बहुत बढ़िया है। कुछ देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सभी में बहुत उत्साह का माहौल है। राजेश कुमार निषाद, कैसा माहौल है करछना में? इसमें करछना में परिवर्तन का लहर है। इस बार विधायक जो होंगे निषाद पार्टी के बैनर तले, अपना दल और बीजेपी के बैनर तले बनेंगे, और वो पीयूष रंजन निषाद जी। क्या मुद्दे हैं जिसके लिए जनता के पास? विकास 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 विकास, 5 साल का काम है उसको देखकर। हाँ विकास, अभी हमारे यहाँ जितने बार भी विधायक और सांसद हुए हैं, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये सीट लगातार परंपरागत जो है वो सपा की सीट रही है, एक ही लोग हमेशा से रहे हैं, तो वो बोलते हैं हमने क्षेत्र का काफी विकास किया है और ये सारी चीज। नहीं विकास होता दिखता नहीं, अगर विकास होता दिखता, विकास नहीं हुआ है, नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग प्रॉपर सपा के सहयोगी रहे हैं हमेशा। हम लोग सपा को वोट दिए हैं लेकिन काम नहीं हुआ, इसलिए हमें दूसरे जगह आना पड़ा है। लग रहा है कि लोग शिफ्ट, हाँ शिफ्ट। देखिए इनका सफा सफा कहना है कि जो है लोगों का शिफ्टिंग हो रहा है। नाम बताइएगा पहले आप। मेरा नाम विनय कुमार यादव। यादव जी, मतलब जो यादव वोट बोला जाता है तो सीधा बोला जाता है कि सपा के साथ है, तो क्या मतलब ऐसा कुछ है या? देखिए हम प्रादेशिक लेवल पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां करछना विधानसभा का स्तर रहा है, यहां पर एक ही व्यक्ति के पास निरंतर सत्ता रही है, जब वह विधायक का पद रहा हो चाहे सांसद का पद रहा हो, उसकी सामंती सोच ने इतना हम लोगों को जर्जर बना दिया, जैसे कि कोई काम करने के लिए अगर उस विधायक के पास जाइए तो लोकल एक दो आदमी को वहाँ पर वह इस्टेब्लिश किया हुआ है और उनके माध्यम से ही वहाँ तक पहुँच सकना, तो हमारा हम जान मानस हो कि जो नेता से और पब्लिक की जो कनेक्टिविटी है वह सीधे होना चाहिए, ऐसा कि भले ये हारे हुए थे पीयूष रंजन निषाद जी पूर्व में, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इनकी कनेक्टिविटी 5 साल कहीं ना कहीं जनता से रही है, इसका लाभ इन्हें मिलेगा और करछना विधानसभा पुनः इतिहास रचने का काम करेगा, जो कि आज़ादी से जब भी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई आज तक का इतिहास गवा रहा है कि करछना विधानसभा में कभी कमल नहीं खिला, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है और ये उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि इस बार करछना विधानसभा में पीयूष रंजन निषाद जी भारी मतों से विजयी होने का कार्य करेंगे। देखिए इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया हुआ था, आप नाम बता दें। जी भैया, मेरा नाम है मनीष मिश्रा, मैं सेक्टर संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का, चक गरीबदास शाखा से। कितना टफ होगा करछना जो है, कहा जाता है एक परंपरागत। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जनता ने मन बना लिया है, वंशवाद को एकदम से खत्म कर देगी। इस बार जनता पूरी तरीके से पीयूष भैया के साथ एनडीए के साथ में है। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को इस बार जनता नहीं दोहराएगी और निश्चित रूप से इस बार कमल खिलेगा और एक इतिहास बनेगा इस करछना विधानसभा में। जी तो क्या कोर मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आप? देखिए जो प्रमुख मुद्दा है तो वो है कि जो है जनता के बीच में जो विधायक है वो आते नहीं है, और पीयूष जी जो है बराबर जनता के बीच में बने हुए हैं। जनता एक अपने विधायक को लगाव चाहती है, हर समय पे उनकी उपलब्धता चाहती है, और जो बाकी जो मुद्दे हैं वो बीजेपी सरकार, हमारी सरकार जो ऑटोमेटिक कर रही है। सो हाँ जी, पूरा टोटल मुद्दा ये है कि हमें जो है वंशवाद की राजनीति खत्म करनी है। हाँ, जो एक जो कछना सीट है मतलब वो भी वंशवाद का प्रतीक बन, बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक बनी, बिल्कुल प्रतीक बन चुकी है, और इस बार एनडीए सरकार जिसमें कि अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी ने मिलकर ये ठाना है कि इस बार कमल खिलाना है करछना में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हम आपको ले चलते हैं कि जो ये सीट है, ये सीट निषाद राज पार्टी के कोटे से गई है, हालांकि जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो कमल के मुद्दे पे ही लड़ा जा रहा है, तो निषाद राज पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता है हमारे साथ है। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया है, मेरा नाम आशीष रतन निषाद, आईटी सेल हेड प्रयागराज। अच्छा, आप आईटी सेल यहाँ पे देख रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? थोड़ा लेट हो गया। बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे लोगों का, जो भी तैयारियाँ हैं पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, निषाद पार्टी अपना दल और भारतीय जनता पार्टी, क्या क्या मुद्दे हैं जो कि लग रहा है यहाँ पे लोग विकास है, जो भी हमारा गठबंधन है, जो भी हम लोग का मुद्दा है वो सब हल होगा सरकार बनाने में। अच्छा। भाई सरकार बनाकर हमको हिस्सा मिलना है। पीयूष रंजन जी कैसे कैंडिडेट मतलब? बहुत बढ़िया है, स्वच्छ सभी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी जितने भी प्रत्याशी 403 विधानसभा पे उतारी है
वो हर स्वच्छ और सुंदर छवि की, जिनकी कोई दागी छवि नहीं है, उनको अपना नेता उतारा है। देखिए यहाँ पे जो भाजपा है और जो निषाद राज पार्टी है उसका समन्वय यहाँ